हेलो दोस्तों, तो मैं वापस आ गई हूँ लेके एक और ही मज़ेदार और कुरकुरा स्नैक्स, जिसको आप बना सकते हैं कोई भी गैदरिंग के लिए या फिर बच्चों को, तो आपको इसको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। और इसे बनाने के लिए पता है आपको सिर्फ दो बेसिक इंग्रेडिएंट्स ही लगेंगे, और जो थोड़े बहुत मसाले सबके घर में अवेलेबल होते हैं वो भी आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा कुरकुरा स्नैक बनाने के लिए सबसे पहले पैन में मैं ले रही हूँ बस 2 टीस्पून तेल, बहुत ज़्यादा तेल नहीं डालेंगे। इसमें मैं डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून ज़ीरा। जैसे ही ज़ीरा फ्राई होने लगेगा फिर मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टीस्पून अदरक लहसुन। तो ये थोड़ा सा बारीक कटा हुआ अदरक लहसुन है, उससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, आप चाहें तो पेस्ट भी डाल सकते हैं। फिर इसके बाद मैं डाल रही हूँ 1 प्याज ऐसे बारीक कटा हुआ, और इसको मिक्स करके पकाएंगे जब तक कि प्याज हल्का सा गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। आप चाहें तो यहाँ पर बहुत सारे वेजिटेबल्स डाल सकते हैं, लेकिन बारीक कटी हुई, जैसे कि बारीक कटे हुए आप डाल सकते हैं, कैबेज डाल सकते हैं, गाजर डाल सकते हैं, कॉर्न्स डाल सकते हैं अपने बच्चों के लिए, बहुत सारे वेजिटेबल्स डाल सकते हैं, लेकिन इसको एकदम बारीक चॉप कीजिएगा। तो आज मैं सिर्फ प्याज यूज़ कर रही हूँ, तो ये हल्का सा गोल्डन ब्राउन होना स्टार्ट ही हो गया है। तो इस वक्त मैं इसमें डाल दूँगी पानी। तो टोटल पानी मैंने यहाँ पर यूज़ किया है 1 कप भर के पानी, और फिर मैं इसमें डालूँगी 1/2 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून मैं डाल रही हूँ रेड चिली फ्लेक्स, और मैं डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर। तो यहाँ पे मैंने बहुत ही बेसिक स्पाइसेस रखे हैं, इसे बहुत ही अच्छा मज़े का बनता है, पर आपको जो स्पाइसेस चाहिए आप इसमें डाल सकते हैं। तो पानी में अच्छा सा बॉईल आ गया है, अब गैस का फ्लेम लो कर देंगे और इसमें 1 कप चावल का आटा डालेंगे। जी यहाँ तो इसमें 1 कप चावल का आटा डालेंगे, लेकिन धीरे धीरे करके इसमें डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। और जैसे ही आप देखेंगे इसमें चावल का आटा डालेंगे ना, तो जल्दी से वो पानी को सोख लेगा, ये देख सकते हैं आप। तो थोड़ा थोड़ा चावल का आटा डालते जाइए और उसको इसे मिक्स करते जाइए, इसे पकाते जाइए लो मीडियम फ्लेम पे, जैसे इसका कच्चा फ्लेवर निकल जाए। तो मैंने 1 कप पानी डाला था और 1 कप चावल का आटा यूज़ कर रही हूँ, तो मुझे लगा कि पानी थोड़ा सा कम है, तो मैंने इसमें 1/2 कप पानी और भी डाल दिया है, और इसको मिक्स करके पकाएंगे जब तक कि इसका कच्चा फ्लेवर चला ना जाए। बेसिकली ये ना एकदम लंपी डो जैसा हो जाना चाहिए, तो इसको बैचेस में ही ऐड करते जाइए। पानी आपको जैसे ज़रूरत लगे आप थोड़ा और डाल सकते हैं, या फिर पानी अपने हाथों से स्प्रिंकल करके भी बढ़ा सकते हैं। बस इसको मिक्स करते जाएंगे जब तक कि पूरा पानी एब्जॉर्ब ना कर ले और एकदम स्मूथ डो जैसा ना हो जाए, लंपी फॉर्म ना हो जाए। ये देख सकते हैं आप कि वैसा लग रहा है कि चावल का आटा जो अच्छे से कुक भी हो गया है और इसने साइड्स भी छोड़ दिए, इसका कच्चा फ्लेवर भी निकल गया है और पूरा पानी एब्जॉर्ब कर लिया, अच्छे से ड्राई हो गया, साइड्स भी छोड़ दिए। तो बस ये चावल का आटा ये अच्छे से सेट हो गया, मतलब पूरा उसने पानी सोख लिया है, उसका कच्चापन निकल गया है। तो इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे एक परात में। और इसको हल्का सा फैला देंगे ताकि हल्का सा ठंडा हो जाए। इसको पूरी तरह से ठंडा नहीं करना है फ्रेंड्स, वरना आप इसको बांध नहीं पाएंगे, मतलब वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगा। जब ये हल्का सा ही गर्म है ना, तो इस वक्त हम इसमें डाल देंगे आलू। तो यहाँ पे मैंने 2 आलू यूज़ किए हैं, जिसको मैं इसे ग्रेट करके डाल रही हूँ। आप चाहें तो मैश करके भी डाल सकते हैं, लेकिन ग्रेट करने से एकदम इवन टेक्सचर आता है और बहुत कुरकुरा बनता है ये स्नैक। और आलू के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून भर के रोस्टेड कसूरी मेथी, उसको ऐसे क्रश करके डालेंगे। एकदम सिंपल फ्लेवर है, लेकिन बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है इसमें। और साथ ही मैं डाल रही हूँ फ्रेश धनिया भी, और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे जैसे कि ये आटे की जैसी कंसिस्टेंसी पे आ जाए। आप चाहें तो यहाँ पे कोई और मसाले भी डाल सकते हैं, जैसे कि पाव भाजी मसाला, गरम मसाला, कोई भी वेजिटेबल डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने बहुत बेसिक फ्लेवर्स रखे हैं जिसको मैंने ट्राइड एंड टेस्ट किया है, बहुत अच्छा बनता है इसके साथ। तो बस इसको मिक्स करते जाएंगे। ये देखिए इस तरह से हल्का सा गर्म है, इसलिए अभी थोड़ा सेट नहीं हुआ है अभी भी। तो ये मिक्सचर हल्का सा गर्म है, तो इसको मैं मिक्स कर रही हूँ स्पैटुला से। ये देखिए स्पैटुला से अच्छे से मिक्स हो रहा है। और अगर आपको ऐसा लगे कि आपका डो स्टिकी है, तो आप इस वक्त इसमें थोड़ा सा तेल डाल सकते हैं और फिर से इसको मिक्स कर सकते हैं। तो बस ये सेमी सॉफ्ट आटा तैयार हो गया है। इसके बनाने हमको बॉल्स, अब आप चाहें तो बॉल्स बना सकते हैं, इसका डोनट शेप बना सकते हैं, इसकी टिक्कियाँ बना सकते हैं। ये आपका बेस डो रेडी हो गया है, इससे आप कोई भी शेप बना के इसको फ्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको दूंगी एक मज़ेदार शेप, जिसके लिए मैं ले रही हूँ बिल्कुल छोटा सा पोर्शन, एक छोटा सा ऐसे बॉल ले रही हूँ। इसको फोक के बीच में ऐसा थोड़ा सा सेंटर में ऐसे दबा देंगे, तो जैसे ही वो उसका निशान ले लेगा फिर इसको ऑपोजिट साइड रोल कर देंगे। रुकिए मैं आपको एक बार और पास से दिखाती हूँ, एक दो रोल करके। एक बॉल लेंगे, सेंटर से प्रेस करेंगे ताकि वो उसका शेप ले ले, और फिर ऑपोजिट साइड में ऐसे रोल कर देंगे। ये देखिए इस तरह से,
तो अगर आपको ऐसा लगे कि आपका फोक गंदा हो रहा है तो बीच में आप उसको वॉश कर सकते हैं या फिर थोड़ा सा और ऑयल लगा सकते हैं ताकि आपका प्रोसेस एकदम क्लीन हो जाए। और इसी तरह से सारा ये स्नैक्स तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए मेरे सारे स्नैक्स तैयार हैं। एक्चुअली इस टाइप का जो शेप है ना, नॉकी का होता है। नॉकी एक टाइप का इटालियन डिश है जिसका ऐसा शेप होता है, लेकिन मैंने इसे ट्राई किया आज इसमें टू इंग्रेडिएंट स्नैक में। तो बस ये सारे रेडी हो गए। आपको चाहिए तो आप इसको स्टोर कर सकते हैं फ्रिज में 2 से 3 दिनों तक ही अच्छे रहते हैं। तो यहाँ पे मैंने रखा है तेल गरम करने के लिए मीडियम हाई फ्लेम पर। जैसे ही तेल गरम हो जाएगा इसमें एक एक करके डालते जाएंगे और इनको फ्राई कर लेंगे। तो सारे कुरकुरे स्नैक इसमें डाल दीजिए। तो फ्रेंड्स इसका कोई परफेक्ट नाम नहीं है, तो मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इस स्नैक को आप क्या नाम देना चाहेंगे। तो बस इसको फ्राई करते जाएंगे 3 से 4 मिनट के लिए। बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है क्योंकि सारी चीज़ें तो इसमें पकी हुई है। 3 से 4 मिनट के लिए, जब तक एकदम कुरकुरा ना हो जाए ऊपर से और परफेक्टली गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। अच्छा फ्रेंड, और एक टिप, जब आप आटा गूंथ रहे हैं ना, मतलब जब आप आलू डाल के उसको मिक्स करते हैं, मान लीजिए अगर आपका आटा स्टिकी या पतला हो जाए ना, तो आप उसमें 2 टेबलस्पून चावल का आटा डाल सकते हैं। तो बस इसको फ्राई करते जाएंगे। तो फ्रेंड्स काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि आपको मेरे रेसिपी के सारे इंग्रेडिएंट्स घर पे अवेलेबल नहीं होते हैं, तो इसलिए मैंने टाई अप किया है ज़ेलिश के साथ, जिसका लिंक आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे ना, वो आपको लेके जाएगा कनक्स किचन शॉप में। तो वहाँ पर आपको सारे इंग्रीडियंट्स एक बार में ही शॉप कर सकते हैं, एंड जो सामान आपको नहीं चाहिए आप डिस्कार्ड कर सकते हैं, एंड इट विल बी डिलीवर्ड एट योर डोरस्टेप। मतलब आप घर बैठे सारी शॉपिंग कर सकते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया गोल्डन ब्राउन, परफेक्ट जैसे फ्रेंच फ्राइज का कलर होता है ना, बिल्कुल वैसे ही कलर है। तो इस स्टेज पे मैं इसको निकाल दूंगी। इसी तरह से दूसरा बैच भी फ्राई कर लेंगे और इसे निकाल देंगे। वाओ, आप देख सकते हैं कितने सुपर क्रिस्पी बने हैं। मैं निकाल रही हूँ तो उसी से आपको अंदाज़ा लग रहा होगा कितने अलग अलग बने हैं और एकदम आपस में चिपके भी नहीं हैं। इसको आप सर्व कर सकते हैं चटनी के साथ, सॉस के साथ या फिर चीज़ के साथ भी। लग रहा है ना सुपर इजी और सुपर क्रिस्पी स्नैक। इसको तो मैं ट्राई ज़रूर करूंगी इस ग्रीन चटनी के साथ। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको आज की बिल्कुल ही आसान रेसिपी? मैंने कोशिश करके इसमें कम से कम इंग्रेडिएंट्स डाले हैं, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं आपसे मिलती हूँ एक और बढ़िया सी रेसिपी के साथ। आप सब अपना ख्याल रखिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाय बाय।